हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ इज परमिंदर सिंह फ्रॉम प्रभ कृपा क्लासेस। नाउ वी आर गोइंग टू डू एन आर्टिकल ऑन ड्राइव सेफ अवॉइड एक्सीडेंट्स। बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर आई वुड लाइक टू से ओनली अ फ्यू वर्ड्स ऑन दिस टॉपिक। यू कैन जस्ट इमेजिन द कंडीशन ऑफ द दोज फैमिलीज हु हैव लॉस्ट देयर ब्रेड विनर्स in the road accidents, or those persons who have become bedridden and are not able to move because they have met with the accidents and are now totally or partially disabled. You can imagine the mental and the physical state of mind of those families. So this is the importance of safe driving. Aaj ka jo hamara topic hai wo hai drive safe and avoid accidents. Agar aap एक मिनट के लिए सिर्फ ये देखें कि उन फैमिलीज के बारे में सोचें, उन विक्टिम्स के बारे में सोचें जिन्होंने रोड एक्सीडेंट्स के कारण अपने ब्रेडविनर को खो दिया है, या उनके घर का कोई सदस्य बेड पर है और वो टोटली या पार्शली डिसेबल्ड है, और आप उनकी सिर्फ मेंटल स्टेट ऑफ माइंड या उनकी फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में जरा सोचें तो आपको इस टॉपिक की इम्पोर्टेंस के बारे में पता चल जाएगा। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट दिस video. Now a large number of road accidents are being reported daily in the newspapers and on social media. Many people lose their lives and many more get injured in these road accidents. The number of road accidents has increased due to an increase in the number of vehicles on the roads. Pehle hum thoda samajh bhi le, aajkal agar hum social media par dekhen ya newspapers dekhen तो हम देखते हैं कि वहां पर बहुत सी न्यूज जो है वो रोड एक्सीडेंट्स की डेली न्यूज़पेपर्स में रिपोर्ट हो रही है। बहुत से लोग जो है वो रोड एक्सीडेंट्स में अपनी जान गंवा देते हैं और बहुत से अन्य लोग जो होते हैं वो इन रोड एक्सीडेंट्स में इंजर्ड हो जाते हैं। ये जो रोड एक्सीडेंट्स हैं इनकी गिनती लगातार बढ़ रही है। वो इसलिए भी बढ़ रही है क्योंकि सड़कों पर जो व्हीकल्स की गिनती है वो लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इसके और भी अन्य कारण हो सकते हैं एक्सीडेंट्स के। नेक्स्ट, व्हेन यू आर ड्राइविंग ए व्हीकल कीप 100% ऑफ योर अटेंशन ऑन ड्राइविंग एंड नो मल्टीटास्किंग। नेवर यूज मोबाइल फोन्स व्हाइल ड्राइविंग। वी शुड नॉट स्टॉप द व्हीकल बाय अप्लाइंग ब्रेक्स अब्रप्टली अनलेस इट इज नेसेसरी टू डू सो। यूजिंग हेलमेट्स ऑन टू व्हीलर्स इज वन ऑफ द इजीएस्ट वेज ऑफ प्रिवेंटिंग एक्सीडेंट्स। आप समझते हैं थोड़ा सा, अगर आप कोई भी व्हीकल चला रहे हैं तो हमेशा अपना जो है 100% ध्यान जो है वो ड्राइविंग की तरफ रखें और मल्टीटास्किंग ना करें। मल्टीटास्किंग का मतलब कि आप मोबाइल फोन पर मोबाइल से किसी से बातें ना करते हो। अगर आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप कभी भी कोई भी व्हीकल जो चला रहे हैं उसको अचानक से ब्रेक ना लगाएं जब तक कि ये बहुत ही जरूरी ना हो। अगर आप टू व्हीलर चला रहे हैं तो कोशिश करें कि हमेशा ही आप सिर पर हेलमेट जरूर रखें, इससे आप एक्सीडेंट से को बचा सकते हैं। सेफ ड्राइविंग मींस ओबेइंग द स्पीड लिमिट एंड ट्रैफिक लॉज, मेंटेनिंग प्लेंटी ऑफ स्पेस बिटवीन यू एंड द कार इन फ्रंट, ड्राइविंग स्लोअर ड्यूरिंग रेन एंड इंक्लीमेंट वेदर एक्सेट्रा। वी शुड एडजस्ट अवर सीट्स एंड मिरर बिफोर पुटिंग द कार इन गियर। We should take breaks and get refreshed at intervals while driving for long distance. Safe driving का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हम speed limit जो होती है उसको obey करें, traffic laws को obey करें, और अपने आगे जो vehicle जा रहा है उसके बीच में और अपने vehicle के बीच में proper distance रखें। और अगर मौसम खराब है, बारिश हो रही है या foggy weather है तो उस समय हम अपनी जो driving है वो slow रखें। जब हम कार को अभी स्टार्ट ही कर रहे हैं, व्हीकल को स्टार्ट ही कर रहे हैं, तो हमें सबसे पहले चाहिए कि हम अपनी सीट को प्रॉपरली एडजस्ट कर लें और मिरर को भी एडजस्ट कर लें। अगर हम लॉन्ग डिस्टेंस के लिए ड्राइविंग कर रहे हैं तो हमें समय समय पर ब्रेक लेनी चाहिए और वहां पर अपने आप को रिफ्रेश कर लेना चाहिए। डू नॉट डू प्रैक्टिस ड्राइविंग ऑन द हाईवेज। Drive if you are stressed or unwell unless
as it will affect your judgment while driving. If any other vehicle is showing signs of aggressive driving, we should slow down or pull over to avoid it. We should also keep an eye on bicyclists, pedestrians and pets along the road. हमें अगर व्हीकल को चलाना सीखना है तो हमें हाईवे पर ऐसा काम नहीं करना चाहिए. अगर हमारी सेहत ठीक नहीं है या हम किसी कारणवश स्ट्रेसफुल महसूस कर रहे हैं तो उस समय हमें ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उस समय हो सकता है कि ड्राइविंग के दौरान हमारी जजमेंट जो है वो अफेक्टेड हो. अगर हम देख रहे हैं कि कोई दूसरा व्यक्ति गाड़ी को अग्रेसिवली ड्राइव कर रहा है तो हमें क्या चाहिए, हमें अपने व्हीकल को धीरे कर लेना चाहिए या हमें अपने व्हीकल को बिल्कुल स्टॉप करके पर एक तरफ खड़े हो जाना चाहिए. हमें ये भी चाहिए कि हम सड़क पर चल रहे जो बाइक साइकिलिस्ट हैं या पैदल चल रहे हैं या सड़क पर जो पेट्स हैं उनकी तरफ भी ध्यान रखें. सेफ ड्राइविंग आल्सो इंक्लूड्स ऑफ रोड प्रिकॉशनरी मेजर्स सच एज मेकिंग श्योर दैट टायर ब्रेक्स एंड वाइपर्स आर इन गुड कंडीशन. ऑल ऑफ दीज एक्शंस कैन डिक्रीज द चांसेस ऑफ एन एक्सीडेंट. डिफेंसिव ड्राइविंग माइट सीम डल बट सेफ ड्राइविंग नॉट ओनली सेव्स लाइव्स बट आल्सो सेव्स मनी इन द फॉर्म ऑफ इंक्रीज्ड फ्यूल एफिशिएंसी. अगर हम सेफ ड्राइविंग की बात करें तो सेफ ड्राइविंग में कुछ ऑफ रोड प्रिकॉशनरी मेजर्स भी आ जाते हैं. जैसे हमें ये चेक रखना देखना चाहिए कि हमारी व्हीकल के जो टायर्स हैं वो प्रॉपर कंडीशन में हैं, ब्रेक्स प्रॉपर लगती हैं कि नहीं, और जो वाइपर्स हैं व्हीकल्स के वो गुड कंडीशन में हैं या नहीं. अगर हम इन सभी एक्शंस को करते हैं तो एक्सीडेंट के चांसेस कम हो जाते हैं. अगर हम डिफेंसिव ड्राइविंग करते हैं यानी कि आराम से चलाते हैं कोई भी व्हीकल तो ये हमें लगता है कि ये डल है, बोरिंग है, पर अगर हम सेफ ड्राइविंग करते हैं तो इससे ना केवल हमारी अपनी लाइफ बचती है, दूसरों की लाइफ भी सेव होती है. इसके अलावा हम अपने व्हीकल की फ्यूल एफिशिएंसी को बढ़ाते हैं जिससे कि हमारी मनी भी सेव होती है. अंडर एज चिल्ड्रन शुड नॉट बी अलाउड टू ड्राइव. स्टडीज शो दैट क्रैशेस आर हायर अमंग टीन्स देन एनी अदर एज ग्रुप. पेरेंट्स नीड टू बी गुड रोल मॉडल्स एंड दे शुड कम्युनिकेट विद देयर टीन्स टू हेल्प इम्प्रूव देयर ड्राइविंग. अगर कोई भी बच्चा अगर अंडर एज है तो उसको ड्राइविंग के लिए हमें अलाउ नहीं करना चाहिए. स्टडीज से हमें ये पता चलता है कि जो टीन्स होते हैं, जो यंगस्टर्स होते हैं, उनमें एक्सीडेंट के चांसेस ज़्यादा हैं बनिस्बत बड़े एज वालों के, क्योंकि ये देखने में आया है कि जो यंगर एज ग्रुप के लोग होते हैं वो अपनी कार में बैठे या व्हीकल में बैठे दूसरे अन्य लोगों से कई बार बातों में लग जाते हैं. दूसरी तरफ पेरेंट्स हैं, उनको भी चाहिए कि वो अपने बच्चों के लिए रोल मॉडल के तौर पर रहें और अपने बच्चों के साथ ये कम्युनिकेशन करते रहें कि ड्राइविंग को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है. देयर आर मैनी मेथड्स ऑफ क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट सेफ ड्राइविंग अमंग द कॉमन पब्लिक सच एज सेमिनार, वर्कशॉप, स्टूडेंट्स एजुकेशन बाई एडिंग बेसिक रोड सेफ्टी लेसन्स टू द सिलेबस एंड मेक पीपल अंडरस्टैंड ट्रैफिक लाइट्स एंड रोड साइंस एक्सेट्रा. समय की ये मांग है कि हम सेफ ड्राइविंग के बारे में लोगों के बीच में अवेयरनेस पैदा करें. इसके लिए हम सेमिनार्स और वर्कशॉप आयोजित कर सकते हैं और जो बच्चों के एजुकेशन है उनमें हम रोड सेफ्टी पर लेसन उनके सिलेबस में रख सकते हैं. और ये भी चाहिए कि हम लोगों को ट्रैफिक लाइट्स और रोड साइंस के बारे में समझाएं. हायर स्पीड डज नॉट इंक्रीज द एबिलिटी टू अराइव ऑन टाइम, रेदर इट ओनली इंक्रीजेस द चांसेस ऑफ नॉट अराइविंग एट ऑल. ड्राइव सेफ एंड अवॉइड एक्सीडेंट्स. हायर स्पीड का मतलब ये नहीं कि हम किसी भी समय पर किसी भी जगह पर टाइम पर पहुंच जाएंगे, बल्कि इसका मतलब ये हो सकता है कि हम उस स्थान पर कभी भी ना पहुंच पाए. ड्राइव सेफ एंड अवॉइड एक्सीडेंट्स. इफ यू लाइक अवर वीडियो प्लीज लाइक शेयर
and subscribe our channel. Thank you.